आपके लिए मैं पप्पू हूँ। हाँ मैं पप्पू हूँ। अरे सब हंसने लगे, गए बेचारे मोदी जी को गले गले लगाए। तो ये तो अच्छा है कि तुम्हारी बेइज्जती होती है। दुनिया की सारी लड़ाई तुम्हारे मन से होती है, सारी। प्रधानमंत्री बनेंगे कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे। कोई भी काम कर लो, कोई भी नौकरी मिले कर लो। और पर्सनैलिटी का मतलब होता है एम्बिशन। एम्प्लॉयमेंट सबकी तलाश है, एम्बिशन सबकी तलाश नहीं है। NIS इज एन एम्बिशन। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों चीजों में। बहुत सारे लड़के हैं मिडिल क्लास के, आते हैं हमसे, कहते हैं सर हमारे हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी काम कर लो, कोई भी नौकरी मिले कर लो। भाई कलाम साहब भी तो पेपर वेंडर थे ना, पर पेपर वेंडर होने से उनके एम्बिशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ। एम्बिशन इज द गेम ऑफ पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी का मतलब होता है वन हु कैन स्टैंड अप फर्मली इन ऑड सिचुएशन। एवरीवन कैन स्टैंड अप इन इवन सिचुएशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जो भी आदमी ऑड सिचुएशन, ऑड, हम सब ऑर्डिनरी होते हैं। कुछ लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि यार जो ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बस वो आदमी बन गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दुनिया की सारी लड़ाई तुम्हारे मन से होती है, सारी। मैं जब भी जाता हूं, जहां भी जाता हूं, तो इस पॉइंट को स्पेसिफिकली एम्फसाइज करता हूं। अगर तुम्हारा मन ताकतवर नहीं है तो तुम एम्बिशन के काबिल नहीं हो। पढ़ते तुम कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर गलती से जॉब लग गई, गलती से भी, तो कर नहीं पाओगे। बिकॉज एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू डील विद ऑल द डेंजरस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। शरीर की बीमारियां ट्रेस हो जाती है, मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती, क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। तुमने पूरे साल तैयारी की, बड़ा मन उत्साहित रहा, स्ट्रांग रहा कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे। और जिस दिन एग्जाम देने का टाइम आया, 24 घंटे नींद ही नहीं आई। मन का एक सबसे गंदा रोग है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या करता है? कॉमन सेंस को मार देता है। और तुम्हारे मन को जो तुमसे कराना होता है ना, उसको वो इतने प्यार से कन्विंस कराता है। सबसे स्ट्रांग आदत उसकी यही है। अगर तुम्हें सिगरेट पिला रहा है तो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा कि भाई नेहरू जी पीते थे। यही तो उसकी खासियत है, उसे तुम्हें जो कराना है वो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा, स्ट्रांग। अगर तुमसे ये कह दे कि यार रिक्शा वाला पीता है, तो तुम बड़ा ह्यूमिलेटेड फील करोगे कि अरे यार आईटी बताया कि हम रिक्शे वाले वाली हरकत। लेकिन ऐसा नहीं कहता फिदेल कास्ट्रो, तुम उसकी फोटो ले आओगे सिगार लगाए हुए और कमरे में लगा के तुम ऐसे खड़े होकर देखोगे कि यार हम भी थोड़ा सा लग तो रहे। महत्वाकांक्षा का जो खेल है ना, वो शक्ति पर टिका हुआ है, मन की और शरीर की दोनों। हमसे लोग पूछते हैं कि अब क्या करोगे, अब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कुछ तो अब कुछ बोलते नहीं, पहले तो बोलते थे, अब नहीं बोलते। कोई लोग सर झुका के मुस्कुरा देते हैं, कुछ लोग किसी और से कहते हैं बने ना बने तुम्हारी जान तो लिए ही ले रहे कह के। तो यूपी का चुनाव था तो बहुत लोगों से मैंने कहा, बस अखिलेश जी का फोन आया था, कह रहा था कि जहां से चाहो यूपी में वहां से लड़ जाओ, हमारी सीट से लड़ जाओ। अच्छा,
नहीं तुम समाजवादी वैसे जीते कि नहीं, नहीं नहीं तो योगी जी भी तो कह रहे गोरखपुर से लड़ जाओ, और बहन जी कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है तुमको राज्यसभा भेज देंगे। हम लड़े ना लड़े, राज्यसभा जाए ना जाए, तुम तो नहीं सो पा रहे हो ना। तुम हमारे पीछे काहे पड़े हो, हम कुछ करें, हम कल भालू खरीद के ले आए ना चाहे तुमसे मतलब। यही तुम्हारा दर्द है, तुम दूसरों को इतना देखते हो, इतने उनसे ज्यादा वो हो जाते हो, और हर आदमी तुम्हें छेड़ रहा है। छोड़ दो इसको, मजा लो। तारीफ सुनने का मजा भी तब आएगा जब तुमने गाली सुनी है। जैसे आज राहुल जी को बहुत दुख होता होगा, इन्होंने कभी गाली नहीं सुनी होगी। राजा के खानदान, मुगल फैमिली, गांधी फैमिली, तो जब लोगों ने पप्पू कहना शुरू हो गया होगा तो बेचारे को कितना दर्द हुआ होगा। एक बार तो पार्लियामेंट में वो खुद ही कह दिए खड़े हो कि हाँ मैं पप्पू हूं, और ऐसा हंसने लगे, इतना खींच गए बेचारे की करे क्या, गए बेचारे मोदी जी को गले वले लगाए। तो अब ये उनकी प्रैक्टिस चल रही गाली सुनने की, यही अगर वो 15 पे सुन लिए होते, या तुम अपने पापा की गाली सुने, टीचर की सुने, तो आज लड़ने की क्षमता रखे हो ना। तुम महान तभी बनोगे जब तुम्हारी बुराई होगी, तभी तुम्हें समाज को दिखाने की इच्छा पैदा होगी कि अच्छा, अगर सब तुम्हारी तारीफ करने लगे ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिनका दिमाग जिंदा है, जो मरे हुए हैं वो तो कुछ नहीं करेंगे, जिनका जिंदा है। गांधी की बेइज्जती हुई, महान बन गए। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, महान बन गए। तो ये तो अच्छा है कि तुम्हारी बेइज्जती होती है। तुम टीचर को क्लास में हाथ उठा के सवाल पूछा करो, जवाब दिया करो,